नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। हेलो सर। स्वामी। गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम मैडम, वेलकम। ISIA एट योर सर्विस। ISIA? ओके, इंडियन सर्विस इन अफ्रीका। वेलकम टू केप टाउन मैडम। मेरा पिए स्वामी। ए, कैसा है हमारा छोटा बॉस है अनुज बेटा? हाउ आर यू? स्वामी अंकल को नहीं पहचाना? ये अनुज नहीं, अंशु है। अंशु? ओहो सॉरी, मैं गड़बड़ बोल गया। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। सॉरी, कड़क है। सुना कड़क है। स्वामी तुम एक काम करो, तुम सामान अपनी गाड़ी में ले आओ। अच्छा। मैंने अपने साथ ले जाओ। ओके टिया तुम ले लो। जी दीजिए। मैं बाय। I'll drive. You drive. Okay, sir. नमस्ते साहब। नमस्ते। मेम साहब का सामान बाहर से ले आना और इन्हें कमरा दिखा देना। जी साहब। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। जय। ओहो स्वामी, इसे क्या हुआ? ये रुक क्यों रहा है? सर आई लगता है इसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। हमें इसकी नैपी चेंज करनी पड़ेगी सर। हमें नहीं, मुझे। ओ मैं इसका डालू ना। अरे 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 यार, बड़े होकर फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर लेना। सर मैं चला ड्राई क्लीनिंग के लिए। गुड बॉय अंशु, गुड बॉय। आप बच्चे को संभालना आपको बिल्कुल नहीं आता? सीख जाऊंगा। अब तक क्यों नहीं सीखे? पहले बच्चा था ही नहीं। मेरा मतलब है ये हमेशा अपनी माँ से चिपटा रहता था। ओ तो आज से ये अपनी माँ से चिपटा रहेगा, है ना अंशु? वैसे ये किस पर गया है? बिल्कुल अपनी माँ पर गया। वही बुरी आंखें, वही मुस्कुराहट, वही जानसा चेहरा। गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। चाय? नहीं नहीं, मैंने पी ली। पी लीजिए ना, मैं इतनी भी बुरी चाय नहीं बनाती। अच्छा इतनी गर्म चाय और आपने एक ही घूंट में? हाँ
एक्चुअली ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बैठिए ना, मैं भी अपनी चाय पी लूँ। तो तुम्हें केप टाउन कैसा लगा? काफी लंबी लिस्ट है, क्या बताऊं। पेड़ है जो खड़े ही रहते हैं, पहाड़ है जो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलते, सूरज है जो सही वक्त पर निकलता है और डूबता है। काफी हेल्दी और कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ। मैंने सुबह देखी है, शाम देखी है, रात देखी है। आपके टेरेस से सब नजर आता है। कभी वक्त हो तो आइएगा, मैं भी आपको केप टाउन दिखाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें केप टाउन दिखाना मेरी जिम्मेदारी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यह है केप टाउन की सबसे दिलचस्प जगह, जहां दो महासागर, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, मीलों दूर का सफर तय करके अपने पीछे सब कुछ छोड़कर यहां एक हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी एक नई पहचान, एक नया सफर, एक नई कहानी। बिल्कुल मेरी तरह। अपनी आदर्श खोने के बाद मैं भी तो सब कुछ भूलकर एक नई दिशा में चल रही हूं। कभी कभी सोचती हूं जो गुजर गया वो कैसा था, क्या वो समय इस पल से बेहतर था, कहीं कुछ कीमती पीछे तो नहीं छूट गया। फिर हंसकर अपने आप को मना लेती हूं, जो चला गया वो वापस नहीं मिलेगा, और जो मिल रहा है उसे खोना नहीं चाहती। टिया, तुमने तो मजबूरी में अपने आप के साथ समझौता कर लिया है, पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो वो जिंदगी दोबारा जीना चाहते हैं। जय, क्या तुम भी इन महासागरों की तरह अपने पीछे चले गए पल को भूलकर एक नया सफर शुरू करना चाहते हो? हाँ, उन बहुत सारे लोगों में एक मैं भी हूं, लेकिन जिंदगी सबको दोबारा जीने का मौका नहीं देती। गुजरे हुए पल लौट कर नहीं आते, बस यादें छोड़ जाते हैं। चले। हेलो पापा, पापा। बात कहूं जय, मैं सोच रही थी इस अजनबी शहर में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी, तुमने तो हर चीज इतनी आसान कर दी। तुम में मैंने एक ऐसा दोस्त पाया है जिससे मैं रूठ भी सकती हूँ, झगड़ भी सकती हूँ, नाराज भी हो सकती हूँ, प्यार भी कर सकती हूँ। यू मेक मी रियली कंफर्टेबल।